फैमिली कैसे है आप लोग? तो आज हम लोग करने वाले हैं 10-10 की स्पेशल रीडिंग। देखेंगे गाइस क्या निकल कर आ रहा है, क्या ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं, किस चीज पे काम चल रहा है आपका और आपके डीएम का। बस दो ही लेंगे और दोनों लोगों आप दोनों के ही सिचुएशन पे फोकस करेंगे क्या आ रहा है 10-10 पोर्टल के बाद। गाइज मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, अगर आज आप लोग बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाते हो या आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, कुछ ऐसा सिवियर होता है पेन या कुछ भी, तो वो असेंशन सिम्टम्स के वजह से होगा। लेकिन अगर आपको वो सहन नहीं हो रहा है तो प्लीज डॉक्टर को जाकर के दिखाइएगा और हीलिंग और दवाइयाँ ले लीजिएगा अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो। ऑल्सो अगर आपको बहुत इमोशनल और मेंटल इंस्टेबिलिटी हो रही है और ट्रिगर्स के वजह से, तो थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके मेडिटेशन कर लीजिए। और अगर आपसे वो भी नहीं हो पा रहा है तो जा करके एक वॉक ले लीजिए, या तो बाहर घूमने चले जाइए या तो फ्रेंड्स के साथ एक मूवी पे चले जाइए, कुछ भी कीजिए गाइस। लेकिन अगर आपकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी हुई है तो और आप ब्रीदिंग और ये सब नहीं कर सकते तो कोई भी मेडिटेशन गाइडेड चला कर लेट कर उसको कीजिए, बट अपने आप को थोड़ा सा बेटर और रिलीफ फील कराने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं गाइस, देखते हैं। सबसे पहले आज हम डीएम का करेंगे, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज मेरे चैनल को। सबसे पहले देखेंगे और आज सॉन्ग्स में लेंगे मैसेजेस हमारे डीएम से। देखते हैं गाइज की डीएम की क्या शिफ्ट्स होने वाले हैं 10-10 के बाद, डीएम के लाइफ में क्या आने वाला है 10-10 के बाद। एक मिनट गाइज, डीएम का नाम लेते हैं ना गाइज, मेरे को इरिटेशन हो जाती है नोज में, पता नहीं क्यों। देखते हैं कि डीएम के लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं 10-10 के बाद। तो कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं और बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी भी मैं डीएम के लिए ले रही हूँ। एक एक करके ही लूंगी गाइस, मैं डीएम और डीएफ को एक साथ कार्ड्स नहीं लेने वाली हूँ और अलग अलग डेक्स यूज करने वाली हूँ। तो मुझे यहाँ पे डीएम के लिए दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज्यादा हाई पावर में अपने एनर्जी में फील करेंगे, बहुत ही ज्यादा स्टबन होंगे कि आई नो इट ऑल। वैसे भी डीएम वैसे ही होते हैं गाइज, उनको ऐसा लगता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं मेरे को सब कुछ पता है, आई डिजर्व एवरीथिंग। भले आपको दिखाएंगे कि चने के झाड़ पे चढ़ा दे वो, लेकिन खुद जो है वो अपने आप के लिए बहुत ही हाई फाई बिलीव्स रखते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। बट कितने भी बिलीव्स रखते हैं, इनसिक्योरिटीज उनको बहुत ही ज्यादा है। तो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है डीएम का, वो अपने आप को वेल स्किल्ड मानते हैं आपके लिए और फिर उससे भी परेशान हो रहे होते हैं। कहीं ना कहीं वो वेल प्रिपेयर्ड भी मुझे दिखाई दे रहे हैं आपको कॉल करने के लिए और आपको मतलब अपने पास वापस खींच के लेके आने के लिए, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपको उनका एक नया ही रंग देखने को मिलेगा, बहुत ही लविंग केयरिंग, और आप लोग को ऐसा लगेगा कि मैं इस पर विश्वास करूं भी या नहीं करूं, ऐसा हो सकता है। वो आपको डेट पर लेकर जा सकते हैं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, आपको ऐसा दिन दिखा सकते हैं जो आपने सिर्फ सपने में इमेजिन ही किया होगा, एक डेट नाइट जैसा। कुछ ना कुछ ये सब वो ऐसा करेंगे गाइस ताकि वो आपको अपने कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक दिख रहा है कि एक लड़की एक बंदे को बांध के रख रही है बेड से, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने आप से बांध के रखने के लिए वो ये रूप ले सकते हैं इस बार, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मेंटली मतलब आपको अपने पास अटका के रखना चाहते हैं वो, और मेंटली खुद भी स्टक ही फील कर रहे हैं वो, कि क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वो आपको एक इतना सुंदर दिन दे सकते हैं जिससे आप उनके ऊपर मतलब फिर से अट्रैक्टेड हो जाओ, एंड दे आर वेल प्रिपेयर्ड, उन्होंने पूरी स्टडी कर ली हुई है कि वो आपको आपके पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए, तो ऐसा हो सकता है गाइज। एकदम रोमांटिक वे में न्यू बिगिनिंग ऑफर करना, एक ड्रीम प्रपोजल टाइप्स देना जो आप हमेशा से सुनना चाहते थे, आपकी कोई बात मान लेना या आपकी हर बात मान लेना, ये मुझे 10-10 के बाद दिखाई दे रहा है गाइज। और इस चीज से मुझे डीएफ के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमें इसके ऊपर और देखना होगा डिटेल में कि ये हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है। लेकिन अगर हम डीएम की बात करें तो कौन के कौन से चक्रास
खुल रहे हैं और क्या चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए इस बेसिस पे। डीएम फिलहाल फीलिंग स्टक का प्रॉब्लम हो सकता है, उनको डिसिप्लिन इश्यूज हो सकते हैं, अभी भी वो कार्मिक से को डिपेंडेंट ही दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो कार्मिक से उनके पेरेंट्स हो या उनके लवर हो या उनके वाइफ हो या हस्बैंड हो या जो भी हो। मुझे यहाँ पर ईगो बेस्ड ये आपका कर रहे हैं ऐसा, या तो वो कार्मिक को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं बिकॉज कार्मिक ने उनको लटका के रखा हुआ है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं ये सब नहीं झेलूंगा, और अग्रेशन और ईगो के बेसिस पर ऐसी हरकतें वो आपको आकर एक ब्यूटीफुल डे दे सकते हैं और आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, जस्ट कार्मिक को दिखाने के लिए कि तूने मुझे रिजेक्ट किया, तूने मुझे स्टक फील कराया, तो अभी देख मैं क्या करता हूँ, ये वाला एटीट्यूड मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है 10-10 के पोर्टल के बाद। तो वो कार्मिक को बहुत ज्यादा हर्ट करने के लिए आपके साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि कार्मिक शायद ये नहीं चाहते होंगे कि आपके साथ वो मिले, बात करे या जो भी है, तो इस वजह से वो कार्मिक को जितना हर्ट कर सकते हैं उसके बेसिस पर वो आपको ट्रीट करेंगे, जितना हर्ट करना चाहते हैं बेसिकली उसके बेसिस पर। तो देखते हैं गाइस कि डीएफ के लिए क्या निकल कर आ रहा है 10-10 के पोर्टल के बाद। तो डीएफ के लिए गाइस मुझे आ रहा है कम्युनिटी, डीएफ के लिए चेंज आएंगे कि वो अपने आप को एक कम्युनिटी में फिट बैठ बिठा पाएगी, लाइक माइंडेड पीपल के साथ मिलना घूमना पेशेंट्स में रहना खुश रहना। डीएफ के लिए सारे जो भी डिसीट हुए थे वो लाइट में आ जाएंगे, ठीक है। डीएफ को सब पता चल जाएगा कि किसने क्या मिली भगत थी, किसने क्या किया, कौन उससे प्यार करता है, कौन उसका दुश्मन है, ये डीएफ को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डीएफ टेंपल पाथ फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअलिटी दिखाई दे रही है गाइस डीएफ के लिए, एक कम्युनिटी में उठना बैठना इंजॉय करना एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी को, एक लाइक माइंडेड पीपल के साथ फ्रेंड्स बनाना, ये सब मुझे डीएफ के लिए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। पीस शांति घर में और शांति डीएफ के मन में भी, ये और केयरिंग कनेक्शंस भी, तो ये बहुत सही दिख रहा है। और डीएफ भी अपना लव बांटते हुए और एंजल की तरह बिहेव करते हुए मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ही सही आ रहा है। तो डीएफ का हार्ट चक्रा बहुत ही ओपन हो जाएगा और डीएफ जो है बहुत ही ज्यादा इंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपके लिए इंजॉयमेंट आया है, सही सुना आपने, और बहुत ही ज्यादा इंजॉयमेंट भी और बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअलिटी भी, बहुत ही ज्यादा मन की शांति और बहुत कुछ अच्छा अच्छा, ठीक है गाइज। देखते हैं कि आपके लिए कौन से चक्रास पे काम चल रहा है। डीएफ के लिए भी सोलर प्लेक्सस भाई सही है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डीएफ के लिए बाउंड्रीज बनाना और सेल्फ एस्टीम पे ध्यान देना बहुत ही सही हो जाएगा। तो डीएफ अभी अपने बाउंड्रीज बना पाएगी कि इसको किसके साथ क्या चाहिए और कितना चाहिए, और जैसे मैंने कहा डीएफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है, मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ये लग रहा है कि डीएफ को क्लैरिटी मिलेगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जिसके साथ नहीं रहना चाहिए उसके लिए साथ डीएफ डिफेंसिव भी हो सकती है, क्रिटिकल थिंकर भी हो सकती है, सोच सोच के लोगों को अपने लाइफ में लाने वाली तो डीएफ कभी थी ही नहीं, लेकिन अब मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि डीएफ सोच सोच के इतने बड़े धक्के के बाद सोच सोच के करेगी कि इसको किस लेवल तक अपने अंदर आने देना है और किसको कहाँ तक रखना है और ये आएगा नहीं आएगा और डीएम को किस लेवल तक रखना है। तो डीएम चाहे कितना भी कर ले डीएफ को स्वीप द फीट करने के लिए,
डीएफ को उस पर भरोसा होगा कि नहीं, डिपेंड करेगा कि डीएफ भगवान को कितना मानती है और कितनी स्पिरिचुअलिटी में जा चुकी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डीएफ का दिल और दिमाग और इंट्यूशन ही बता देगा कि भाई इसके साथ इतना इन्वॉल्व होना है कि नहीं होना है, क्योंकि डीएफ के लिए ये निकल कर आया है लाइफ पाथ वाली चीज। तो ऐसा हो सकता है कि डीएफ गाइड बने और इंट्यूटिव बने और बहुत ज़्यादा समझ आ जाए उसको कि मुझे क्या करना चाहिए किस समय पे। और डीएफ ऐसे भी हो सकता है कि डीएम की किसी बातों में आए ही ना, ठीक है। देखते हैं गाइस कि डीएम क्या गाना या क्या मैसेज सॉन्ग में देना चाहता है डीएफ के लिए आज के दिन पर। दो गाने हैं, आकाश काश तू होता, हर शाम साथ तू होता, चुपचाप दिल न यूं रोता, हर शाम साथ तू होता, गुजारा हो तेरे बिन अब गुजारा, अब मुश्किल है लगता नजारा, हो तेरा ही नजारा अब हर दिन है लगता, हाले दिल तुझको सुनाता। कहीं ना कहीं गाइस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डीएम को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गलत चॉइस कर लिया है और कहीं ना कहीं वो अभी ये ऐसे हो गए, माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, मैं तुझको जान लूँ तू मुझको जान ले, आ दिल के पास आ इस दिल के रास्ते, जो हाल जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिलाओ। तो कहीं ना कहीं डीएम ऐसे सुर में आपको दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि लेकिन उसका रियलिटी भी हमको पता है, तो उसको किस लेवल तक रखना है वो भी हम समझ चुके हैं। आपको बाउंड्रीज बनानी होंगी गाइस, आपको पता होना चाहिए कि इसको कब रियल चांस देना है, ठीक है। यहाँ तक कि मैंने आपको चैनल पे बता ही दिया है कि अपने बाउंड्रीज और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को क्रश होते हुए मत अलाउ करना, और कितना भी वो आपके लिए सब कुछ करे आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल तक उसको एनर्जी देनी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।